नमस्ते दोस्तों। तो चलिए, स्वागत करता हूँ आप लोगों का स्वाध्याय के चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि आप किसी भी टॉपिक पे एसे लिखने के लिए एक मास्टर प्लान लेकर के आए हुए हम। तो बहुत सारे लोगों को ये एक सरप्राइज जैसा लग रहा होगा कि कोई सा भी टॉपिक पे कैसे एसे लिखा जा सकता है। तो इसके लिए आप स्क्रीन पे देख चुके हैं कि हम लोग जो है सो एसटीजी गोल होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास दर, शायद इसको हिंदी में बोलते हैं, सतत विकास लक्ष्य इसको शायद हिंदी में बोलते हैं, क्या हिंदी में एग्जैक्ट पता नहीं मुझे, बट शायद वही बोलते होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। तो छोड़िए हिंदी की बात, क्योंकि हम लोग को तो डिस्क्रिप्टिव को इंग्लिश में लिखना है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को इंट्रो वीडियो दिया था, तो जो लोग इंट्रो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो लोग इंट्रो वीडियो देख लीजिएगा, तब फिर आप इस वीडियो पे आइएगा। आज हम लोग का वॉल्यूम 1 है। तो आज हम लोग नो पॉवर्टी के ऊपर करेंगे, और इससे आपको अभी ये देखने को मिलेगा कि नो पॉवर्टी से कि कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट एसेज को आप कैसे आप लिख सकते हो, कैसे आप फॉर्मुलेट कर सकते हो, कैसे आपका एक मतलब एक विजन आपके अंदर, आपका एक परसेप्शन जो है ना बन जाएगा कि मतलब किस तरह से पॉवर्टी के लिए, पॉवर्टी से रिलेटेड आएगा। तो चलिए, और मैं आपको बताया था पहले वीडियो में, एक लाइन में बोल दे रहा हूँ कि इंट्रो बताया था, बॉडी बताया था, कंक्लूजन बताया था। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकली बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं थियोरिटिकली बात नहीं करेंगे, घंटों की बॉडी होता है, ये होता है, इतने वर्ड में लिखना, वो सब बात दूर की हो गई। तो चलिए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मैं इंग्लिश का फैकल्टी नहीं हूँ, मैं आप लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। इंग्लिश में मैं अच्छा स्कोर जरूर कर सकता हूँ, बट मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकूँ। और जो सब्जेक्ट मेरे अंदर पढ़ाने का हुनर नहीं है, जिसमें मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं फील करता हूँ, वो सब्जेक्ट मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। बट यहाँ पे मैं आपको इस तरह से, मैं बहुत सारे एग्जाम्स से बहुत ही अच्छे नंबर मैंने गेन किए, तो वही मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मतलब किस तरह से आप मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट्स भी जो इंग्लिश बहुत अच्छा, बट मैं अब अच्छा इंग्लिश में मार्क्स गेन कर लेता हूँ, बट इंग्लिश में अच्छा गेन मार्क्स गेन करने का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँ। तो इसीलिए आप मेरे टैलेंट को जज मत करिएगा इंग्लिश के देख करके, क्योंकि इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं है। बट हाँ, मैं जो कंटेंट दूंगा वो कंटेंट इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी कंटेंट है कि आपको शायद ही यूट्यूब पे कहीं मिले, या मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इस तरह का कंटेंट और इस टक्कर का कंटेंट आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि कोई भी ऐसा चीज आपको नहीं देगा जो कि आपको बहुत ही मतलब 7 टॉपिक 10 टॉपिक पढ़ो और पूरे ऐसे लिखने लगोगे, तो फिर 2 महीने उस टीचर के पास जाओगे क्यों आप। तो इसलिए ये मेरा अपना प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है, तो ये मैंने बहुत ही रिसर्च करके ये किया हुआ है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ये नो पॉवर्टी पे डिस्कस करेंगे, और कल हम लोग जो है जीरो जीरो हंगर पे करेंगे। इस तरह से करते चलेंगे, और इसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट एसेज को लिख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो इंट्रो होता है, तो बैंक में जनरली 300 वर्ड्स में आपको एसेज लिखने होते हैं। जैसे कि अभी मैं एनपीएस ग्रेड बी का एग्जाम लिखा था, तो उसमें भी 300 वर्ड्स में ही लिखने थे, एनपीएस ग्रेड बी में भी। ठीक है, तो एनपीएस ग्रेड बी में भी 300 वर्ड्स में थे, सेवी में आई थिंक 300 वर्ड में ही लिखा था मैंने। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं दो तीन चार डिस्क्रिप्टिव लिखा भी हूँ और मुझे ठीक ठाक नंबर भी आया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या करना है इंट्रो में। तो इंट्रो मैं थोड़ा सा अच्छा दे दिया हूँ, मतलब इतना बड़ा इंट्रो दे दिया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा भी तो कम से कम याद रहे, बहुत ज्यादा नहीं। तो जैसे मैं इंट्रो लिखा था, कहीं भी लिखता हूँ तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ, डिजाइनिंग इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखो कि कहीं भी आप इस तरह के इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, डिजाइनिंग इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रेपिडली रिड्यूस पॉवर्टी हैज परसिस्टेंटली चैलेंज्ड नेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसी भी नेशंस नहीं, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए यह एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए एक ऐसा स्ट्रेटेजी बनाया जाए जो अच्छी तरह से काम करे। तो ये एक बहुत ही बड़ी चैलेंज की बात है। इस तरह से कोई भी कंट्री जो है, कोई भी वर्ल्ड में, ग्लोबल में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो एक ऐसा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बनाए जो कि पॉवर्टी को बहुत ही जल्द कम करे। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा मतलब ये इफेक्टिव स्ट्रेटेजी आप थोड़ा सा कीवर्ड याद रखो कि इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, और क्या
कि ये परसिस्टेंटली चैलेंज्ड, इस तरह से थोड़ा सा टू रिड्यूस पॉवर्टी, तो इस तरह से आप अपना सिंपल वर्ड में इसको एक लाइन में इंट्रो कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा इंट्रो कि जो हमारा इंडिया है, जो इंडिया है, देखिए दिस हैज पार्टिकुलरली बीन डिफाइनिंग एजेंडा इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो लो इन मिडिल इनकम कंट्रीज, तो ये जो इंडिया है हमारा, यहाँ पे ये जो इंडिया है, इंडिया हम लोगों का लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में ही आता है, ठीक है। ये यहाँ पे, चलिए यहाँ पे नहीं जा पा रहा है, पेन नहीं लिखा पा रहा है, उधर नहीं जा पा रहा है, ठीक है, बोर्ड नहीं काम कर रहा है उस साइड। तो ये इंडिया जो हमारा लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है, ठीक है। तो हमारा इंडिया, तो ये अक्सर आप लोग को इकोनॉमिक के सोशल इश्यूज में पूछता भी है कि इंडिया का जो है, इंडिया किस टाइप का कंट्रीज है, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है, हाई एंड लो मिडिल इनकम कंट्रीज, इस तरह से ऑब्जेक्टिव दे देते हैं। तो जनरली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, वेयर द इंसिडेंस ऑफ बोथ इनकम पॉवर्टी एंड मल्टी नेशनल पॉवर्टी इज रिलेटिवली लार्जर देन दैट अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो आप ये चीज आप यहाँ से माइंड में रख लो कि इंडिया जो है लो मिडिल इनकम कंट्रीज है, और यहाँ पे जो है सो इनकम पॉवर्टी और मल्टी नेशनल पॉवर्टी दोनों पाया जाता है, और दोनों बहुत ज्यादा है, जिस कारण दूसरे कंट्री के अलग पार्ट से, कंट्री का जो अलग दूसरे वर्ल्ड में जो दूसरे पार्ट है उससे ज्यादा पाया जाता है, यहाँ पे इंडिया में पाया जाता है, इंडिया की बात कर रहा है। तो इसलिए इंडिया के लिए जो है सो एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी तैयार करना बहुत ही चैलेंजिंग काम है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनकम पॉवर्टी को कीवर्ड में याद रखो, और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को आप कीवर्ड में रखो, ठीक है, कि इंडिया जो है सो इस तरह से है, आप लो मिडिल इनकम कंट्रीज है, एंड इंडिया हैज इनकम, बोथ इनकम पॉवर्टी एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इज रिलेटिवली लार्जर। तो इस तरह से आप थोड़ा सा रखो, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा, मैं पूरा लाइन नहीं पढ़ूंगा, तो ये इतना आप जो है सो इंट्रो के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इंडिया से, इंडिया इज इंप्लीमेंटिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी टू इन पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म, ठीक है। कि इंडिया जो है सो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है, बहुत ही बृहत रूप में एक स्ट्रेटेजी प्लान बनाया है पॉवर्टी को कम करने के लिए, थ्रू एक्सीलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को काफी ज्यादा तेज करेगा, और ब्रॉडर सोशल सेफ्टी नेट्स देगा, ठीक है। तो ये आप कीवर्ड में थोड़ा सा याद रखो, मतलब बीच बीच में थोड़ा सा आप देखते रहो कि क्या क्या, मतलब इंटर में क्या लिख सकते हैं, ठीक है। और ए वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम फॉर प्रमोटिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ से ये वर्ड रखो कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड, ठीक है, जीविका के लिए अपॉर्चुनिटीज, एंड इम्प्रूविंग एसेसिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स, यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स भी कर सकते हो, बेसिक सर्विसेज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, स्किल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटीज हैव बीन ऑपरेशनलाइज्ड, ठीक है। तो ये सब कीवर्ड को आप कम से कम याद रखो थोड़ा थोड़ा, ताकि ये सब वर्ड आपके दिमाग में रहे, तो एक अच्छा इससे जो है सो आप फ्रेम कर सकते हो, ये सब वर्ड को आप वहां पे पुशअप कर सकते हो, कुछ कुछ डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप मिला जुला के, ये तो मिला जुला के 400 वर्ड होगा, 400 नहीं 300 वर्ड होंगे अप्रॉक्स में, आई थिंक जैसा मुझे लग रहा है। तो आप जो है सो इंट्रो में आप बस दो लाइन लिखना, यहाँ पे एक लाइन, दो लाइन, और मैक्सिमम ढाई लाइन, ठीक है, ढाई लाइन में इंट्रो को इंड कर देना, ठीक है। तो इस तरह से एक इंट्रो हो जाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग बॉडी में बात करते हैं कि बॉडी कैसा होना चाहिए। तो बॉडी में मिला जुला के आपको 8 से 10 लाइन लिखने पड़ेंगे, ठीक है, 7-8 लाइन लिखना पड़ेगा। तो आप इंट्रो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं बताया हुआ हूँ उसमें बहुत कुछ, ठीक है। तो जैसा कि इसमें ये देखिए, बॉडी में आप इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में याद रखिए, ठीक है, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है कि इंडिया इज इंप्लीमेंटिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी टू इन पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म थ्रू एक्सीलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ब्रॉडर सोशल सेफ्टी नेट्स, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ देखिए, सोशल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी नेट्स में क्या क्या आता है, ठीक है। तो आपको मैं पहले ही बोला था कि यहाँ पे आप इसको याद रखिए, देखिए ब्रॉडर सोशल सेफ्टी नेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि सोशल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी नेट्स, सोशल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी नेट्स में हम लोग किस किस चीज पे बात करेंगे, तो मैं हम पूरा नहीं पढ़ूंगा A to Z, मैं जो मोटा मोटा चीज है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें देखिए, इसमें हम लोग नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लिख देंगे कि इसके अंतर्गत हम लोग ये होता है, और हम लोग को ये देख लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए
मनरेगा के अंतर्गत, पहले नरेगा था उसको मनरेगा कर दिया गया, ठीक है। मनरेगा जो है सो सोशल प्रोटेक्शन नेट में पॉवर्टी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट जो है सो मनरेगा प्लान को लॉन्च किया है। ये कौन नहीं जानता है बताइए, हर आदमी जानता है, इवन जो एजुकेशन से नहीं जुड़े हैं, जो लेबर ग्रेड के आदमी जो काम करते हैं उनको भी मनरेगा कार्ड रहता है, वो भी जानते हैं कि मनरेगा क्या है। तो ठीक है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस तरह से जो भी हो, अब मान लीजिए कि रूलर हाउ रूलर सिनेरियोज आर चेंजिंग इन करेंटली, तो इस टाइप से यदि कुछ भी हो कि करंट में आपका रूलर सिनेरियो कैसे चेंज हो रहा, तो आप मनरेगा वाला बात उसमें आप आराम से पुश कर सकते हो, वहां पे डाल सकते हो मनरेगा, ठीक है। तो ये मनरेगा स्कीम्स हो गया, और यहाँ पे ये लेटेस्ट डाटा दिया हुआ है, ठीक है, ये COVID-19 का। तो थोड़ा सा आप लोग को यदि डाटा, ये डाटा इंपॉर्टेंट है कि एडिशनल जो है 400 बिलियन जो है हैज बीन एलोकेटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ वर्कर्स इन द aftermath ऑफ द COVID-19, ठीक है। तो ये आपको अपडेटेड डाटा भी दे दिया हूं, तो इस तरह से जो है सो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब तो ये हो गया इसमें सोशल प्रोटेक्शन से सेफ्टी नेट्स में, तो लगभग 70-80 वर्ड तो आपको यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। और यहां पे एसेस टू बेसिक सर्विसेज, ठीक है, एसेस टू बेसिक सर्विसेज, तो इसमें जो है सो बेसिक सर्विसेज में क्या लिख रहे, तो इसमें हम लोग प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर देंगे कि इसमें हम लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है सो दिया जाता है। तो आप लोग जो भी थोड़ा बहुत जानते होंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में, वो आप डाल दीजिएगा कि जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, जिनको बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उन लोगों को एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत बेसिक सर्विसेज में क्या होता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन दे दिया जाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या होता है कि बैंकिंग सर्विसेज दे दीजिए, ओवरड्राफ्ट सर्विसेज दे दीजिए, आप उसको इंश्योरेंस दे दीजिए, ठीक है। तो ये सब सर्विसेज जो आप किसी को प्रोवाइड करते हो वो सब फाइनेंशियल इंक्लूजन में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही बेसिक सर्विसेज में हम लोग पीएम गरीब कल्याण योजना के बारे में लिख देंगे, देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में लिख देंगे कि पर मतलब बेसिक सर्विसेज में कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, उस इनिशिएटिव में जैसे ये प्रोग्राम्स के बारे में लिख देंगे। और यदि आपको आयुष्मान भारत के बारे में पता ही है कि आपको ये 5 लाख पर फैमिली पर ईयर सेकेंडरी एंड टर्सियरी, ये आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ भी जाता है। सेकेंडरी एंड टर्सियरी इंस्टीट्यूशनल केयर के लिए दिया जाता है, फिर बेसिक सर्विसेज में हाउसिंग फॉर ऑल आ जाता है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा कीवर्ड याद रखो, एग्जैक्ट रट्टा मारने का कोशिश मत करो, ठीक है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो है नाबार्ड के द्वारा दिया जाता है वुमेन्स के लिए, तो ये आप कर सकते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आप जो है मनरेगा का डाटा डाल सकते हो कि बेसिक सर्विसेज में इस तरह से मनरेगा का डाटा दिया गया है, ठीक है, कि 12% ग्रोथ हुआ वुमेन में जो है 85.3% ग्रोथ हुआ है, ठीक है। फिर आपको ये थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एंड स्किलिंग इकोसिस्टम्स, ठीक है। तो ये जो चीज है ये भी आप कर सकते हो, इसमें स्ट्रेंथनिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, तो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी जीविका, जब तक हम लोग जीविका को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तब तक पॉवर्टी कहाँ से घटेगी, ये हम लोग पॉवर्टी पर रहे ना, तो कैसे होगा। तो गाँव घर में आपको पता है कि इंडिया जो है, इंडिया का अभी भी 70% पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया में रहता है, ठीक है, तो रूरल एरिया में रहता है। तो इसके लिए हम लोग को जो है सो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो है आप लोग को ये आप लोग डाल सकते हो खरीफ रबी 2% शायद खरीफ पे रहता है, आप लोग एक बार डाटा चेक कर लीजिएगा गूगल से, 2% खरीफ पे होगा और 1.5% रबी पे, ठीक है, 1.5% रबी क्रॉप पे होता है और 5% जो है सो हॉर्टिकल्चर पे होता है, ठीक है। हो सकता है कि इस दोनों में मैं उल्टा लिख दिया हूँ, ज्यादा चांस है कि मैं सही लिखाऊंगा क्योंकि मुझे याद था ये, तो ये 5% हॉर्टिकल्चर के लिए रहता है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर कमर्शियल के लिए रहता है। तो इस तरह से आप इसमें स्ट्रेंथनिंग लाइवलीहुड में पॉवर्टी से रिलेटेड आप लिख सकते हो, ठीक है। अब प्रधानमंत्री, अब मान लीजिए कि आपको ये पूछ दिया क्या कि डबलिंग फार्मर्स इनकम कि, ठीक है, डबलिंग फार्मर्स इनकम के ऊपर जो है 2025 तक इंडिया का फार्मर्स का इनकम को डबल कर दिया जाएगा, तो उसके बारे में लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, तो इसके बारे में बस यहीं से इसी सब लाइन को जो है
एग्रीकल्चर लाइवलीहुड जो है देखिए एग्रीकल्चर लाइवलीहुड में आप ये डाल दीजिएगा कि डबलिंग फार्मर्स इनकम्स में कि एग्रीकल्चर लाइवलीहुड में 650 मिलियन पीपुल्स है, 59% इंडियन हाउस होल्ड जो है सो इस पर कंट्रीब्यूट करता है, और इसके लिए आपको एक अच्छा प्लानिंग की जरूरत है। और इसमें फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा, कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप करके एक प्लान भी था, वो भी आप डाल सकते हो। फिर नेशनल रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड मिशन, स्टैंड अप इंडिया, स्किल अप इंडिया, तो ये सब के बारे में आप इसमें कुछ भर के आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट में देख लीजिए कि मॉनिटरिंग प्रोसेस एट द नेशनल एंड सब नेशनल लेवल, ठीक है। मॉनिटरिंग प्रोसेस तो एक नेशनल एंड सब नेशनल लेवल, तो ये आप इसमें देखिए कि इसमें आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि प्रोसेस हो सकता है। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन्स की, कि कंक्लूजन्स में हम लोग क्या लिखें, ठीक है। तो जनरली लोग कंक्लूजन्स को लिखने के लिए ना एक बहुत ही ब्रॉड माइंड होना चाहिए कि हम मतलब किस टाइप का कंक्लूजन्स डालें, ठीक है। तो आप क्या करो कि जो SDG गोल है उनमें ये हर का ना कंक्लूजन्स याद कर लो, इसका एक कंक्लूजन, इसका दो कंक्लूजन याद कर लो, इसका दो कंक्लूजन याद कर लो, इसका दो कंक्लूजन, इसका दो कंक्लूजन, मिला जुला के 8 से 10 कंक्लूजन याद कर लो, और कोई सा भी पूछे तो बस अपने को उसको उसमें डाल देना है, ठीक है। डाल करके एक अच्छा सा फ्रेम करके और टाइपिंग एरर कम करना है, आपको 65 नंबर के आसपास आराम से आ जाएंगे, हंड्रेड्स में आ जाएंगे। यदि आप सारे कोरम को पूरा कर देते हो तो आ जाएंगे। थोड़ा सा स्मॉल चैप्टर वो ग्रामरली में देख लेना, तो वहां से आप लोगों को अच्छी नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए कंक्लूजन हम लोगों को क्या लिखना है कि रीजनल वेरियंस, ठीक है, कि हम लोग को लिखना है कि पॉवर्टी के रिलेटेड जो है सो रीजनल वेरियंस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे एक डाटा भी इतना बड़ा तो नहीं रहता है, इतना ज्यादा तो आपको कंक्लूजन नहीं लिखना, तो ये डाटा को आप नेग्लेक्ट ही कर देना, ये जो छत्तीसगढ़ वाला डाटा और अंडमान निकोबार का जो डाटा वगैरह दिया हुआ है, गोवा वगैरह का, बस डाल देना कि रीजनल वेरियंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी बहुत कम है तो कुछ स्टेट में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए एक हम लोगों को रीजनल वेरियंस के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में जो है सो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, तो ऐसा देखा जाता है कि जनरली जो है वुमेन जो है ज्यादा मेन के मुकाबले जो है सो पॉवर्टी से सफर करती हैं, और उनको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी उतना नहीं मिलता है, हेल्थ केयर भी उतना नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो फीमेल पर्सन के, फीमेल्स के साइड से, कि फीमेल लोगों को जो है सो मेल के मुकाबले ज्यादा पॉवर्टी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो कि रैपिड अर्बनाइजेशन, तो रैपिड अर्बनाइजेशन में आप लिख सकते हो कि इसमें जो है सो डिमांड और सप्लाई का जो है सो गैप जो है सो बहुत ज्यादा है, जिस तरह से रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहे हैं उसमें, तो इस तरह से आप ये भी चीज इसमें डाल सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा पॉज करके आप इसको पढ़ोगे अच्छे से तो आपको एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, ठीक है। फिर कंक्लूजन में आप एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से भी रिलेटेड लिख सकते हो, ठीक है। इसमें लिख सकते हो कि इंडिया, देखिए जहाँ ऐसे लिखा हुआ है इसमें, इंडिया इज कंटिन्यू टू परस्यू नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा विच रेजोनेट्स विद द मोटो सबका साथ सबका विकास, तो ये याद रखो सबका साथ सबका विकास, इसको हिंदी में भी लिख देना और इंग्लिश में भी लिखना कि कलेक्टिव एफर्ट्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, कलेक्टिव एफर्ट्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। तो ये चीज लिख देना। इसके अलावा फिर द अंडरलाइंग डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी रिमेन्स फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, तो ठीक है। इसमें फिर रेजिंग इनकम्स, इम्प्रूविंग लाइवली स्टैंडर्ड्स एंड इनहेंसिंग द ईज ऑफ लिविंग ऑफ ऑल कम्युनिटीज वाइल लिविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है, जो मोदी जी बोलते रहते हैं, तो इस तरह से। और इसमें इसी में आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का भी बात कर देना, ये COVID-19 के बाद जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो लॉन्च किया था उसमें जो है 1.7 ट्रिलियन पीपल को टारगेट किया गया था, ये रुपीज दिया गया था, 1.7 ट्रिलियन रुपीज दिया गया था, जो कि टारगेट किया गया था किसके लिए, पुअर एंड माइग्रेंट पॉपुलेशन के लिए ये टारगेट किया गया था, ठीक। तो इस तरह से ये भी आप एक बार पढ़ लोगे, तो इस तरह से आप ये कंक्लूजन, आपका काफी अच्छा कंक्लूजन है आपके लिए, रीजनल वेरियंस, फेमिनाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि ये हो जाता है बस ये, और ये दो लाइन लिख दोगे तो बस हो जाएगा। 50 से 60 वर्ड यहाँ हो गया, 50 से 60 वर्ड आपका जो है इंट्रो में हो गया, और आपका
200 वर्ड जो है सो इतना बड़ा बॉडी है। देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से देखिए कितना बड़ा बॉडी है। लगभग मैं इतना इसलिए दे दिया हूँ एक्स्ट्रा करके, क्योंकि आप यदि 1000 वर्ड यदि आप देख के जाओगे तो कम से कम 200 वर्ड तो वहां जरूर आप मतलब लिख के ही आओगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल से जुड़े रहिए, और कल आपको इसका नेक्स्ट पार्ट SDG गोल्ड 2 जो है मिलेगा, और आज रात में ही आपको SDG गोल्ड 2 का जो है PDF भी मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए, ताकि फिर से ज्यादा डिसलाइक होने पे फिर हम लोग वीडियो के ऊपर काम करेंगे और वीडियो को इम्प्रूव करेंगे। चलिए तो इसी के साथ एंड करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, थैंक यू।